और जिस तरह की बर्बरता निर्भया कांड में दिखाई गई थी उससे भी ज्यादा बर्बरता इस बेटी के साथ दिखाई गई है। निर्भया कांड में ये बर्बरता दिखाई थी उसी के मजहब वाले ये लोग हैं जिन्होंने ये बर्बरता दिखाई। ये बर्बरता इन्होंने अपने मजहब के अनुसार दिखाई है। इनका मजहब काफिर की बेटी के साथ इन्हें यही करने की शिक्षा देता है। दोस्तों माननीय सम्माननीय यति नरसिम्हानंद के फूल भरे शब्द दिन प्रतिदिन और शहद में डूब डूब कर एक समुदाय के लिए झड़ते रहते हैं। इतना झड़ते हैं कि मत ही पूछे। दो चार स्टेप आगे आकर वो अपना फूल भरा जो बयान है वो देते रहते हैं। दोस्तों मामला क्या है, खबर क्या है, उससे यति साहब को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो सिर्फ टिप्पणी करने से, सिर्फ नफरत फैलाने से, और जरा पीछे नहीं हटना है। गलत खबर है तो गलत को भी सही बताकर लोगों तक पेश करना है, और खासकर एक समुदाय का नाम आ जाए तो यति नरसिम्हानंद का प्यार और बरसने लग जाता है। वो भर भर कर प्यार लुटाने लगते हैं। गाजियाबाद का एक मामला दोस्तों कल सामने आया था, जहां पर खबर को अगर मैं बताऊं मोटा मोटी तौर पर तो ये सामने आया था खबर कि एक लड़की का रेप हुआ है। लेकिन जब खबर पुलिस ने छानबीन की, तफ्तीश हुई, तो ये मामला जो निकला आपसी रंजिश का, जमीन जायदाद का, इसके लिए इन लोगों ने साजिश रची थी कि ये पूरी तरीके से साजिशाना जो एक षड्यंत्र होता है ना, वो इस खबर में एंगल था, जिसको लेकर नोएडा पुलिस यानी कि गाजियाबाद पुलिस का बयान भी आया था कि रेप जैसा कोई मामला नहीं है, ये आपसी रंजिश का मामला है। लेकिन यति जी पुलिस से भी ऊपर हैं, कानून से भी ऊपर हैं, कोर्ट से भी ऊपर, कचहरी से भी ऊपर, तभी तो एक समुदाय को लेकर अनाप शनाप बोलना शुरू करने से ये जरा बाज नहीं आते हैं। और उसके बाद क्या था, यति नरसिम्हानंद ने अपने मुख से फूल झाड़ना शुरू कर दिया। शहद भरी लफ्जों से उन्होंने एक खास समुदाय को टारगेट करना शुरू कर दिया और दिल्ली में हुए निर्भया कांड से जोड़ दिया कि कैसे जो है ये लोग निर्भया के साथ जो है उत्पीड़न किए थे, और जो उन लोगों निर्भया कांड के वक्त जो हुआ था वो सब गाजियाबाद के इस लड़की के साथ किया, उससे भी बदतर किया है। निर्भया के वक्त भी इन लोगों ने ही यानी कि खास समुदाय ने इस काम को अंजाम दिया था, ऐसा वीडियो में ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप सुनिए इनके बयान को कि यति नरसिम्हानंद साहब क्या बोल रहे हैं और किस तरीके के इनके बयान जो है एक खास समुदाय को लेकर है। सुनिए इस वीडियो को। आज गाजियाबाद में हमारी एक बेटी के साथ जो घिनौना कांड हुआ है उसकी मैं बहुत ही निंदा करता हूं, और जिस तरह की बर्बरता निर्भया कांड में दिखाई गई थी उससे भी ज्यादा बर्बरता इस बेटी के साथ दिखाई गई है। निर्भया कांड में ये बर्बरता दिखाई थी उसी के मजहब वाले ये लोग हैं जिन्होंने ये बर्बरता दिखाई है। ये बर्बरता इन्होंने अपने मजहब के अनुसार दिखाई है। इनका मजहब काफिर की बेटी के साथ इन्हें यही करने की शिक्षा देता है, यही करने की आज्ञा देता है। सुना आपने। हालांकि मैं आपको यहां पर साफ बता दूं कि निर्भया मामले में किसी भी खास समुदाय के लोगों का कोई हाथ नहीं था। निर्भया का मामला, निर्भया का जो चैप्टर था, निर्भया का जो केस था, वो क्लोज हो गया था और पूरे देश और पूरी दुनिया ने जाना था कि किसने ये जघन्य अपराध किया था, किसने ये पाप किया था। लेकिन महाशय धड़ल्ले से झूठ और नफरत का पाठ लोगों को पढ़ा रहे हैं कि कैसे ये समाज को दूषित करते हैं, कैसे समाज में नफरत फैले, कैसे एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ उतर जाए, हिंसा हो जाए, इस तरह की तमाम बातें ये वीडियो के अंदर बोलते हुए जरा सा भी परहेज नहीं कर रहे, जरा सा भी इनकी जबान लड़खड़ा नहीं रही है कि ये कैसे झूठ बोल रहे हैं। एक या एक ऐसे हजारों में आपको, जी हाँ, एक से एक दो केस नहीं, ऐसे हजारों फर्जी वीडियो आपके इन महाशय के दिखा दूंगी कि कैसे ये लोगों को गुमराह करते हैं, कैसे ये झूठ बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई जेल की सलाखों के पीछे नहीं इन लोगों को डाला जाता है। और अगर बाय चांस ये चले भी जाते हैं तो दो चार दिन बाद इनकी रिहाई हो जाती है, और फिर रिहाई शर्तों के बिना पर होती है, और वो शर्त को ये फिर से आकर धड़ल्ले से तोड़ते हैं, कोर्ट के शर्तों को अपने, जी हाँ, अपने पैरों की तला रौंद देते हैं। आपको याद होगा कि हरिद्वार वाले मामले में यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उसकी रिहाई, और रिहाई के बाद कोर्ट ने इनको निर्देश दिया था, शर्त रखा था कि भैया आप जो है इस तरीके का हेट स्पीच नहीं देंगे, विवादित बयान नहीं देंगे। लेकिन भैया यति नरसिम्हानंद है वो कहाँ कोर्ट के आगे कम है, कोर्ट के आगे झुकने वाले, कोर्ट के फैसले को मानने वाले हैं नहीं ना।
वो इस तरीके की तमाम चीजों में संलिप्त नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यति नरसिम्हानंद ने इस वीडियो में कहा कि समाज को ये सोचना पड़ेगा कि हिंदू महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी की जड़ कहां पर है, क्योंकि शुरू से ही हिंदू महिलाओं के साथ दरिंदगी होती आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस घटना को एक उदाहरण बनाते हुए, एक नजीर बनाते हुए दोषियों को ऐसी सजा दिलानी चाहिए जिससे आगे से कोई भी जिहादी ऐसी घटना को अंजाम देने का साहस भी ना कर सके। यति नरसिम्हानंद गिरी ने यह भी कहा कि आज समाज को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये लोग कौन हैं जो हिंदू औरतों के साथ इतनी निशंसता कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आज हिंदुओं को समझना होगा कि महिलाओं के साथ ये कोई नई बात नहीं हो रही, बल्कि ये सब पिछले 14 साल से लगातार जारी है। इसकी जड़ इस्लाम के धार्मिक साहित्य से है, इस्लाम से है। ये सीधे सीधे इस्लाम धर्म को टारगेट करते हुए नजर आए। आगे इसने ये भी कहा कि मुस्लिम जिहादी अपनी धार्मिक आस्थाओं से ओत प्रोत होकर काफिर अर्थात गैर मुस्लिम को अधिक से अधिक पीड़ादायक चोट देने के लिए उनकी महिलाओं और देवस्थानों को घृणास्पद बर्बरता के साथ दुर्गति करते हुए, क्षति करते हुए पहुंचाते हैं। यही इस्लाम का असली चेहरा है और इस्लाम जो है यही सिखाता है। इस तरीके की बातें ये यति नरसिम्हानंद इस्लाम के खिलाफ खूब घिनौना प्रचार जो दुष्प्रचार करता हुआ नजर आते रहता है। कभी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये इस्लाम को लेकर पूरी तरीके से जो बयानबाजी करते हैं उस पर कोई एक्शन नहीं होता। आगे ये भी कहा कि जब तक इसकी जड़ पर चोट नहीं की जाएगी तब तक इस प्रवृत्ति को नहीं रोका जा सकता है, यानी कि इस्लाम को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक इसकी जो जड़ें हैं जब तक कमज़ोर नहीं होगी तब तक ऐसा जघन्य अपराध होता रहेगा। इस तरीके का ये बयानबाजी करता हुआ नज़र आया। लेकिन मेरा सवाल है दोस्तों कि क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? मेरे ख्याल से सवाल भी मेरे पास है, उसका जवाब भी मेरे पास है कि नहीं होगी। इतने सालों से इंतज़ार में ही लोगों की आंखें पथरा गई कि अब भैया यति नरसिम्हानंद और तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी, FIR हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि हम कड़ाई से एक्शन लेंगे। अगर मुसलमान धर्म से इस तरीके की टिप्पणी होती है तो कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए और लिया भी जाता है। लेकिन एक तरीका होता है दोस्तों कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाए, लेकिन नहीं होता है। अब आप देखिए कि झूठी खबरों को ये किस तरीके से चौड़ करके बता रहे हैं और किस तरीके से झूठ बोलने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं कर रहे। नोएडा पुलिस, गाज़ियाबाद पुलिस, यूपी पुलिस, योगी आदित्यनाथ का ज़रा भी खौफ नहीं है कि मैं कैसे झूठ कह रहा हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि गाज़ियाबाद पुलिस ने कुछ दिन पहले हुए गैंगरेप के मामले में एक पूरी तरह झूठ को जो है कहानी जो एक मामला सामने आया था उसको पूरी तरीके से झूठा करार दिया है कि ये झूठ था। पुलिस को 18 अक्टूबर को इस बात की सूचना मिली थी कि गाज़ियाबाद के आश्रम रोड पर एक महिला सड़क पर पड़ी हुई मिली। सूचना पर पुलिस उसे अस्पताल ले गई और शिकायत जो है वो दर्ज कराई। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ FIR हुआ। उसका नाम था दीनू, शाहरुख, जावेद, धोला और औरंगजेब। इन तमाम लोगों के खिलाफ गाज़ियाबाद पुलिस ने FIR दर्ज की। लेकिन गाज़ियाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब बताया है कि पड़ताल के बाद ये पता चला है कि इस मामले में ज़मीन का विवाद था, ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला था। लड़की ने शिकायत में कहा था कि जब वो गाज़ियाबाद में एक बर्थडे पार्टी से लौटकर दिल्ली जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी तब वहाँ 5 लोग आए और उसे खींचकर कार में ले गए, अपने कब्जे में रखा और उसके साथ बलात्कार किया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस मामले में ट्वीट किया था। पुलिस ने साफ कहा कि इस मामले में 5 लोगों को फंसाने के लिए झूठी कहानी रची गई थी, पूरा स्क्रिप्टेड था। पुलिस ने यह भी कहा कि उस कार को भी जब्त किया गया जिसमें कथित तौर पर पीड़ित था अपने दोस्तों के साथ गई थी और 2 दिन तक उसके साथ ही रही। पुलिस ने बताया कि आजाद नाम के एक शख्स ने गैंगरेप की खबर को प्रचारित करने के लिए कई लोगों से संपर्क किया था और इसके लिए कुछ लोगों को पेटीएम से पैसे भी भेजे गए। SSP गाज़ियाबाद मुनिराज गोबू ने ये बात कही कि आज़ाद ने अपने मित्र गौरव निवासी गौतम बुद्ध नगर और अफजाल निवासी गाज़ियाबाद के माध्यम से ज़मीन के विवाद का हल निकालने के लिए एक षड्यंत्र रचा था और इस मामले में अभियुक्त बनाए गए लोगों के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि इन लोगों ने किसी भी तरीके से इस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए इस प्रकार की योजना बनाई थी। तीनों ही अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं और दिल्ली के GTB अस्पताल की ओर से ये कहा गया कि लड़की को आंतरिक रूप से कई चोट लगी है। पुलिस ने कहा कि जहां पर लड़की मिली थी वहां पर उसके मोबाइल फ़ोन को उसके एक दोस्त ने स्विच ऑफ कर दिया था और इस तरीके से तमाम जो है कहानी लिखी गई थी जिससे इस पूरे मामले को एक गैंग रेप का जो दोस्तों कहते हैं ना
खबर के तौर पर प्रसारित करना, लोगों तक पहुंचाना कि हाँ ये लड़की जो है इसके साथ बहुत गलत हुआ है और इस तरीके की चीज़ें जो है पूरी तरीके से फिल्माए जाने की कोशिश की गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू गाज़ियाबाद पुलिस का कहना है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं था, ये सिर्फ जो है एक स्क्रिप्टेड कहानी थी जिसमें ज़मीन को लेकर एक साजिशन तौर पर ये कहानी लिखी गई थी और इसको फिल्माया गया था। जैसे आपको याद होगा दोस्तों, डॉक्टर अकेला के मामले में भी गाज़ियाबाद पुलिस ने इसी तरीके का खुलासा किया था कि डॉक्टर अकेला जो है उसको पूरी तरीके से लाइमलाइट चाहिए था, फेमस होना था, तो इसलिए सबसे आसान तरीका है मुसलमानों को टारगेट करो, उसका नाम ले लो, दो चार मुसलमानों को फंसा दो, उसके बाद फिर देखिए यति जैसे तमाम लोग आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे, जैसे यति अकेला के साथ भी हुआ। अब अकेला जो है यति नरसिम्हानंद का चेला बन गया है, तो इसी तरीके से यति नरसिम्हानंद ऐसे तमाम मसले में अपनी टांग अड़ाने के लिए सदैव हाजिर रहते हैं और कहते हैं कि देखिए हिंदू महिलाओं के साथ ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जगाने की बात करते हैं, हथियार उठाने की बात करते हैं, आहन करते हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा? इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की घटनाएं आखिर कब तक होती रहेगी? कब इस पर एक्शन लिया जाएगा और कब समाज को ऐसे लोगों से बचाया जाएगा कि ये लोग अपनी छोटी प्रोपोगेंडा के चलते किस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कि सब आपके सामने है, आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और कैसे एक समुदाय को फंसाने के लिए किस किस तरीके की कहानी और स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।